क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए, हंसते हुए रास्तों पर फिर से चला जाए, रह गए थे जो अधूरे काम उनको पूरा किया जाए, हार बैठे थे जो अपनी जीत उसको फिर से हासिल किया जाए, क्यों ना गिरा जाए फिर से उड़ा जाए, क्यों ना जिंदगी को फिर से एक बार जिया जाए। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का जेई क्लासेस मेरिट परिवार में। मेरा नाम है मोनिका पाल और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं और सभी स्टूडेंट्स अगले सेमेस्टर की तैयारी में अभी से लग चुके हैं, क्योंकि जितना देर आप करेंगे उतना ही आप पीछे रह जाएंगे। तो क्यों ना सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी को बहुत जल्दी शुरुआत किया जाए। देखिए, अगर आपकी शुरुआत अच्छी होगी तो यकीनन जो आपका अंजाम होगा, जो आपका अंत होगा, वो भी बहुत ही अच्छा होगा। तो आप सभी सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी में लग चुके होंगे। जैसा कि हमने पहले भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के डिमांड पर उनको गाइडेंस दी कि भाई सेकेंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, सिमिलरली सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की भी उतनी ही चिंता है, उतना ही प्यार उनसे भी है। तो सेकेंड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, उन सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वेटेज है, सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग है उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूं कि आपकी तैयारी जब अच्छी होगी, जब आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग होगी, यानी सबसे पहले आप ये देख लें कि आपको करना क्या है, फिर डिसाइड करें कि करना कैसे है। यानी आपको ये तो पता हो कि आपके सिलेबस में या आपके सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, उन सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, क्यों वो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में डाले गए हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप तैयारी करेंगे ना। तो जरूरी है कि आप इस चीज से अच्छे से परिचित हो कि आपके सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में यूपीबीटी द्वारा क्या क्या सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं और उन सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेकेंड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। तो देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। जैसे कि आप सभी ने अप्लाइड के सब्जेक्ट पढ़े हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सिमिलरली कुछ अप्लाइड के सब्जेक्ट आपको सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ने हैं। हालांकि अप्लाइड के जो सब्जेक्ट होते हैं काफी सर दर्द देते हैं, बहुत दिमाग खराब करते हैं स्टूडेंट्स का। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते समय ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अप्लाइड के सब्जेक्ट तो हमने 12th में 10th में पढ़े हैं, इनको तो यूं चुटकियों में आसानी से पार कर देंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। वास्तविकता जो है वो बहुत ज्यादा अलग होती है। अप्लाइड के जो सब्जेक्ट है उनका सब्जेक्ट का पैटर्न और सिलेबस आपके 10th के सिलेबस से काफी अलग होता है, और डिफिकल्टी लेवल भी जो क्वेश्चन पेपर का होता है वो भी काफी अलग होता है, जिसकी वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स इन अप्लाइड के सब्जेक्ट में बैक लेकर आते हैं। और ये बैक पेपर ऐसे होते हैं कि फाइनल ईयर तक आते आते भी आपके फर्स्ट ईयर के बैक पेपर क्लियर नहीं हो पाते। तो अप्लाइड के सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनकी तैयारी बहुत स्ट्रांग रखनी है। तो देख लेते हैं अप्लाइड के सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अगर हम सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं तो आपको अप्लाइड में एक सब्जेक्ट पढ़ना है केवल, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड। जैसे कि आपने मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, सिमिलरली उसका सेकेंड पार्ट है सीक्वल जो है वो आपको मैथमेटिक्स सेकेंड के रूप में सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स ये जिसको शॉर्ट में हम AM के नाम से भी जानते हैं, ये सब्जेक्ट सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों ही ब्रांचेस में पढ़ा जाता है। ये इसमें आपको बेसिक मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेंगे। इसके अलावा तीसरा जो सब्जेक्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब्जेक्ट भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको काफी परेशान कर सकता है। थर्ड हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी BMEE सब्जेक्ट है आपका, इसको शॉर्ट फॉर्म इसका BMEE हो जाएगा। BMEE जो सब्जेक्ट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ने हैं। यानी यहाँ पर मैकेनिकल के बेसिक कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रिकल के बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको जानने होते हैं। जब एज ए सिविल इंजीनियर आप कहीं ज्वाइन करते हैं या आप कोई टास्क कंप्लीट करते हैं तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल टूल्स का सामना करना पड़ता है, आपको उनसे डीलिंग करनी पड़ती है। दैट्स वाई हर एक सिविल इंजीनियर को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो आप सभी को बेसिक तौर पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान देने के लिए सब्जेक्ट डाला गया है।
ये सब्जेक्ट जो है मुश्किल और भयानक सब्जेक्ट क्यों है भाई? देखिए क्या होता है, यहाँ पर बेसिक तो बात की कर दी, लेकिन यहाँ बेसिक्स में भी काफी कुछ इलेक्ट्रिकल आपको देखने को मिलेगा, काफी कुछ मैकेनिकल आपको देखने को मिलेगा, यानी छुटपुट छुटपुट ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैकेनिकल के और सारे टॉपिक आपको इलेक्ट्रिकल के मिलेंगे। यानी ये समझ लीजिए कि यहाँ कोशिश की गई है कि जो संपूर्ण मैकेनिकल और संपूर्ण इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है वो आपको एक ही बुक में ठूस ठूस कर दे दिया गया। तो यहाँ पर काफी कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये जैसा कि आपके ब्रांच से संबंधित नहीं है तो आपको इस सब्जेक्ट में थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो अभी से इस पर अपनी जकड़ मजबूत बना के रखनी है ताकि ये सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में परेशान ना करे। फोर्थ जो हमारा सब्जेक्ट है, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में हम BIT के नाम से भी जानते हैं। देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जा रहा है, कंप्यूटर का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दैट्स व्हाई आपके सिलेबस में बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दी गई है, ताकि आने वाले समय में जब आप अपनी ब्रांच को कंप्यूटर से रिलेटेड या कंप्यूटर एस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ इस सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, यस को शॉर्ट में CAD भी कहते हैं। बेसिकली CAD जो है CADD होता है, यानी CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग। यहाँ पर है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग केवल आपको करना है। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग वाले जितने भी बंदे होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, आपने देखा होगा जब आप आर्किटेक्चरल फील्ड में जाते हैं तो वहां पर मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप मैप बनाते हैं 2D में या 3D भी बनाते हैं, यानी आपने अगर कोई बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग की डिजाइनिंग की, तो आपको उस डिजाइन को 2D फॉर्म में या 3D फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है ताकि आप उसका पूरा व्यू देख पाए। तो 2D और 3D व्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। जब आप फ्यूचर में किसी कंपनी में जाएंगे वहां पर CAD की नॉलेज जो है आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। अगर आपको CAD की अच्छे से जानकारी है तो आप जितनी भी ड्राइंग है वो 2D और 3D में बहुत आराम से बहुत मजे से बना सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आप ये देख लीजिए कि प्रैक्टिकली भी आपको आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो CAD भी आपको पढ़ना है। तो ये हमारे 5 सब्जेक्ट हैं जो आपको सिविल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं, जिसमें मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स सेकंड भाई में साइड हट जाती हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड आपको पढ़ना है, अप्लाइड मैकेनिक्स आपको पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि BMW भी पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी BIT भी पढ़ना है, और लास्ट हमारा कंप्यूटर एडेड ड्राइंग यानी कि CAD भी आपको पढ़ना है। तो ये हमारे कुल मिला के 5ों सब्जेक्ट हैं, कह लीजिए 5 पहाड़ हैं जो आपको पूरे करने हैं, और फिर आपका सेकंड सेमेस्टर भी यकीनन बहुत अच्छे मार्क्स से आप कंप्लीट कर पाओगे। ये 5 सब्जेक्ट जो है, इनकी पूरी क्लासेस, इनके इंपॉर्टेंट नोट्स और साथ ही साथ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी होते हैं, सारे हमारे JEE क्लासेस मेरिट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। यानी अगर मैं बात करूँ हमारे ऐप की तो एप्लीकेशन पर पूरा पैकेज आपके लिए अवेलेबल है। सेकेंड सेमेस्टर के सभी ब्रांचेस के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CS सभी के फुल फ्लेज कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, और उसमें मैंने बताया ये ऑल इन वन है, यानी आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जाएंगे, साथ साथ नोट्स बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि नोट्स से ही आपको पता चलता है कि एग्जामिनेशन कॉपी में लिखना क्या। अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा आप लिख नहीं पाएंगे। आपको टॉपिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो कॉपी में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप टॉपिक को डेप्थ तक समझ पाओ। दूसरी बात, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपको पता हो कि कॉपी में लिखना क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता हो, क्योंकि जहां हम थियोरेटिकल सब्जेक्ट की बात करते हैं वहां कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम लास्ट एग्जामिनेशन टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास समय ज्यादा नहीं होता, सिलेबस काफी ज्यादा होता है, तो आप सभी को एग्जामिनेशन टाइम में मदद देने के लिए मैराथन क्लासेस भी हम कराते हैं। तो देखिए काफी सारी चीजें आप सभी के लिए हम अवेलेबल कराते हैं, तो आप आज ही JEE क्लासेस मेरिट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा भी जरूर बन जाएं। मैं हमेशा कहती हूँ कि टेलीग्राम चैनल एक्चुअली हमारी टेलीग्राम फैमिली है, तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। JEE पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस हमारे चैनल का नाम है, तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। इससे आपको फायदा क्या होगा, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन
सारी अपडेट, सारी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही आपको प्राप्त होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप सभी मुझे देख पा रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस करें, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हम लाइव क्लास कंडक्ट कराते हैं, बच्चों को जानकारी नहीं हो पाती और वो हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पाते, तो आप जैसे ही बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाता है। तो आई होप आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आप सभी इन पांचों सब्जेक्ट से लड़ाई करने के लिए पूरे फुल ऑन जोश के साथ तैयार होंगे। और आप सभी का साथ देने के लिए जेई क्लास मेरिट परिवार की पूरी टीम पूरे दिल से और पूरी मेहनत से आपके साथ है। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद, जय भारत।